यशोमती मैया के नंदलाला। हम ऐसे भूखे प्यासे कब तक रह पाएंगे? कंठ सूख रहा है, जठरग्नि मेरे उदर को जला रही है। अन्न और जल के बिना यदि एक भी दिन और रहना पड़ गया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। महाराज कंस जिस विचारधारा पे विश्वास रखते थे उसे ही भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि युद्ध करने के लिए और उसे पराजित करके स्वयं विजयी होने के लिए स्वयं जीवित रहना आवश्यक होता है। प्रभु ने जो दृश्य मुझे दिखाए किस बात का संकेत थे वो? क्या मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित करना ही उनकी योजना थी? बहुत सोच विचार के भी ना समझ में आ रहा है, कंस ने उस व्यापारी ने हमारे साथ जो षड्यंत्र रचो है ना, वो आते कैसे बचेंगे? पर घर में सब स्त्रियां चिंतित हैं। सुनो भाई, सब लोग, नंदराज ने निर्णय लियो है कि वो इस बार कंस से मिलने अकेले जाने वाले हैं। पहले ही वो गांव वालों से सारा दूध दही माखन हड़प चुको है, अब आप और मटकियां क्यों ले जा रहे हो उस दुष्ट के लिए? यशोदा, वो दुष्ट है, अत्याचारी है, पर है तो हमारे महाराज ही ना, वैसे खाली हाथ थोड़ी ना जा सकते। तुम अपना ध्यान रखना। सुनो जी, मुझे पता है कि मुझे श्री नारायण पे विश्वास रखना चाहिए, बल्कि मैं भी तो यही समझा रही थी इन गोपियों को, पर पता ना क्यों मुझे लग रहा है इसके पीछे उसका कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ना तो आपको अकेले क्यों बुलाता वो? मैं जानता हूं यशोदा, उसने मुझे क्यों बुलाया, पर मैं तुम्हें ना बता सकता। मैं ना चाहता हूं कि तुम चिंता करो। राजा होने के नाते यदि मेरे कुछ करने से मेरी प्रजा का हित होता है तो मुझे वो करना पड़ेगा यशोदा, फिर चाहे वो मुझे कितना ही अप्रिय क्यों ना लगे। हे नारायण, मेरी दुविधा दूर करो, कुछ ऐसा करो कि इन्हें जाना ही ना पड़े उस दुष्ट के सामने। इतनी सुबह कौन हो सकता है? मैं देख तो। पूर्णमासी आप? यशोदा, पूर्णमासी, इतने दिनों बाद क्या होगा मौसी? सब कुछ कुशल तो है? मैं तो बस इतना जानती हूँ नंदराज, ये लोग आपसे मिलना चाहते थे। कौन? इतनी सुबह आप सब यहाँ, क्या हो गो? हमारे भोले भाले गोकुलवासियों का फंसाने के बाद यहाँ आने का साहस कैसे करो तूने? यशोदा,
पूछो जी, पूछो इससे क्या करो यार। इनकी जे दशा आप सबने तो ना की? नहीं नहीं, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। हमारा बस चलता तो इससे भी बुरी दशा करते। ये सब तो मेरी करनी का फल है नंदराज। इसे इसके किए का दंड मिल गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए नंद महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने इन सब गांव वालों को फंसाने का षड्यंत्र महाराज कंस के कहने पे किया था, वही मेरी भूल थी, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। बहुत शीघ्र बुद्धि आ गई तुम्हें। मैंने आप सबको लोभ के जाल में फंसाने का प्रयास किया। सच तो ये कि मैं स्वयं लोभ में ग्रस्त था। सब कुछ अधिक से अधिक धन के लिए किया था मैंने। सब कुछ खो दिया, मेरा भोजन सड़ गया, मेरी मिठाई में कीड़े मकोड़े पड़ गए, मेरे स्वर्ण आभूषण मोती सब कंकड़ पत्थर बन गए। अवश्य इसका कोई नया छल है जे? नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा कोई छल नहीं है, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैंने कही थी ना, श्री नारायण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। दुष्ट और अत्याचारी का दूत बन के आया था ना, जे तो होना ही था। स्वयं श्री नारायण ने न्याय करो है हमारे साथ। आप बिल्कुल सही कह रही है, वैसे तो कर्मों का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन आपके श्री नारायण ने मुझे इसी जन्म मेरे कर्मों का फल दे दिया, कर्मों का दंड दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण, बहुत कृपा की हुआ आपने। पर इसका अर्थ जे ना है कि हम सब ने आपको क्षमा कर दियो है। मैं यहाँ क्षमा के लिए नहीं आया हूँ नंदराज। तो फिर किस लिए आए हैं? मैं तो इन भोले भाले गोप गोपियों को इनकी शपथ से मुक्त कराने आया हूं। पर इन सब ने वो शपथ अपनी इच्छा से ली थी, आप उसे कैसे मुक्त करा सकते हो? और एक शपथ दिलवाकर। आप लोगों ने भगवान श्री नारायण को साक्षी मानकर यह शपथ ली थी कि आपका सारा दही दूध घी माखन आप केवल मुझे और मुझे ही देंगे। आज उसी भगवान श्री नारायण को साक्षी मानकर मैं आपको शपथ दिलवाता हूं कि आपका सारा दही दूध घी माखन उसमें से एक कण भी आप मुझे नहीं देंगे। प्रतीक्षा क्या कर रहे हो आप सब? शपथ लो। हाँ जशोदा जी आपने सही कही थी, हम बस श्री नारायण पर विश्वास रखें तो सारे कार्य सच जाते हैं। मुझे आशा है कि व्यापारी जी की तरह आप सबको भी अपनी शिक्षा मिल गई होगी। हाँ नंदराज, अब हमें अपनी भूल से सीख मिल गई है, अब हम कभी भी किसी के लोभ के जल में ना फंसेंगे। जब मैं आभास हो जाए वहाँ भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हाँ हाँ, इस घटना से मुझे भी सीख मिल गई है। मैं भी जो शपथ लेती हूँ कि आज के बाद सारा का सारा दूध दही माखन इस पर सबसे पहला अधिकार गाय के बछड़ों पर ही होगा। सीख समझ सभी ने जैसे ही ली शपथ कि अब लोभ करेंगे ना हानि से भी अधिक मिला है माखन बह रहा।
देखो कृष्ण लीला, देखो कृष्ण लीला। हाँ, और हम दोनों भी श्री नारायण की शपथ लेते हैं, दूध दही माखन बेचने के लिए हम बाद में बचाएंगे और पहले अपने बालकों को पेट भर के खिलाएंगे। मैया दादी शीघ्र चलो, जो माखन प्रसाद की मटकी आप मंदिर से चढ़ा के लाई थी वो पूरी भर गई है और माखन निकल निकल के भरो है। इसीलिए बड़बोलो कहलाते है तू, फिर कहने लोगो कथा कहानी। मैया अपने घर पे भी ऐसा ही हो रहा है। यशोदा वो देख तुम्हारी माखन की मटकियां। मैंने कहा था ना आप सभी पर श्री नारायण की विशेष कृपा है, जैसे ही आप सबने अपनी भूल स्वीकार कर ली भगवान ने आपके माखन की सारी हानि पूरी कर दी। कौन से कान्हा पे विश्वास करूं मैं, उस सयाने पे जो कुछ ही समय पहले अपनी लीला दिखा रहा था, या उस निर्दोष पे जो आसपास की हर घटना से अनभिज्ञ बैठो है। क्या इसका अर्थ ये है कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें पुण्य लाभ होता है और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारी हानि होती है, हम पराजित हो जाते हैं। प्राप्ति। मैंने कहा था ना ये सारी माया उस विष्णु अवतार की है। अरे वो तो इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि अपनी ही माया का प्रयोग पर्याप्त समय तक कर पाए और मुझे पराजय स्वीकार करने पर विवश कर पाए। किंतु तुम्हारे मुख की भावभंगिमा तो कुछ और ही कथा कह रही है। क्यों सत्य कहा ना मैंने? महाराज सब कुछ पहले जैसा इसलिए हो गया क्योंकि क्या ये उस विष्णु की माया थी और क्या। हमने व्यापारी परमानंद को
गोकुल भेजा था ताकि वो गोकुलवासियों को अपने साथ व्यापार करने के वचन से मुक्त कर सके। मेरी आज्ञा लिए बिना, मुझे बिना बताए मेरे लिए हुए निर्णय को पलटने का साहस भी कैसे कर लिया तुमने? हमने आपकी ही विचारधारा का अनुसरण किया है महाराज। आप ही कहते हैं ना, जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, और जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। भूख और प्यास से आप तो दुर्बल हो ही जाते महाराज, पर आपकी सेना और सेवक अपने प्राण बचाने के लिए आपसे दूर हो जाते। आपके और उस विष्णु अवतार के बीच 4 वर्षों से चलते आ रहे इस संघर्ष में एक छोटी सी झड़प है महाराज, और यदि हम ये झड़प हार जाते तो शेष युद्ध करने के योग्य भी नहीं बच पाते। जब आप पूरी तरह से अकेले शारीरिक रूप से दुर्बल और असहाय होते, और तब वो विष्णु अवतार वो बालक आप पे प्रहार करता, तब आप क्या करते महाराज? आत्मरक्षा आवश्यक थी महाराज, क्योंकि शत्रु पर उसके वार से भी अधिक घातक प्रहार करने की योजना तभी बनाई जा सकती है जब तन और मन दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो। सच्ची बताओ, जैसा आप ही ने क्यों है ना? आप बहुत दूर से आई हो ना, भूख लगी होगी, मैं माखन लाऊं? आज पूरे गोकुल में माखन भरो है। इसके पीछे आप ही की लीला है ना? मैं अभी माखन लाता हूँ। ये लीजिए। बताओ ना, पूरे गांव में प्रसन्नता की बयार बह रही है, हर ग्रामवासी के मुख पर हर्ष और उल्लास दमक रहा है। ये सब आप ही का चमत्कार है ना? प्रभु, ये महिमा आप ही की है ना नारायण? ठहरो, मैं आपके हाथों से खिलाऊंगा आपको। बताओ ना प्रभु, आप लालन करवाने आए हो या सबका पालन करने आए हो? बोलो ना प्रभु, बताओ ना। आए हो
बताओ ना प्रभु, कब दोगे मेरे प्रश्नों का उत्तर?